पहले मैं, क्योंकि याना हमारी मेहमान है, मैं याना आपकी तरफ चलती हूँ। आपको क्या लगता है याना कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? क्या कश्मीर में जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अरसे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मज़ा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स को, जैसे मिलिटेंट्स के इनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ओप्रेस करने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है, और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो आपके यहाँ से आए हैं ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा हैं, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेंस उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए, तो आपको इन्फिल्ट्रेशन अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हमेशा, आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है, हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट, और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स, जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती हैं, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है, वो क्या है, अंसार, गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है, और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जा जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90%, तो आप झूठ ही बोलते हैं। ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नेबर्स बनना चाहते हैं इंडिया के? तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हाथ में, आपकी तरफ से, जब कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से खत्म होगा, तब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आई थिंक ये सब इट इज इन योर हैंड्स। एक तो वानी साहब, आप थोड़ा सा हेडरूम कम करें प्लीज, आप आगे हो जाएं, और मैं हमीद पोटी साहब की तरफ चलती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ ना ये सब एलिगेशन है, पाकिस्तान को ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। ये 70 ईयर से ज्यादा हो गया है लेकिन यही सिलसिला चल रहा है, और इसी तरह के एलिगेशन मुसलसल इंडिया की तरफ से